जैसे कि आज सुबह सुबह हम लोगों को पासपोर्ट ऑफिस जाना था पासपोर्ट रिन्यू कराने, तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे और स्कूटी स्टार्ट करके पासपोर्ट ऑफिस के लिए रवाना हुआ, जो कि हमारी अपॉइंटमेंट सुबह 9:30 बजे की थी। तब भी हम वहाँ पे 8:45 से पहुँच गए, वहाँ पे कोई नहीं था। गार्ड ने हमको बोला आप बाहर वेट करें, जब ऑफिस खुलेगा तब हम आपको बुला लेंगे। अपॉइंटमेंट 9:30 की मिल रही है, फिर भी हम 8:30 बजे पहुँच गए, ऑफिस में कोई पहुँचा नहीं। तब भी हम वेट करते रहे और वहाँ पे लोगों को आते जाते देखते रहे। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े हुए हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, साथ में हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने फिर से एक बार चेक कर लिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है, उनको बार बार देखा और बार बार हम गार्ड से भी पूछते रहे कब आएंगे, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस हुए। देखते देखते वहाँ हमें एक हमारा दोस्त भी मिल गया, जो कि छोटा एक कीड़ा सा था जो कि इधर उधर भाग रहा था। मैंने उसकी थोड़ी सी सोचा उससे थोड़ी सी मस्ती कर लूँ, तो मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया और वो अपनी टांगें इतनी सारी लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था, और एंटीना भी था उसके तो, जो कि हिला रहा था, डुला रहा था और इधर उधर घुमा रहा था। और हमने घूमना, फिर उससे बातचीत करके फिर हमने देखा पासपोर्ट ऑफिस शायद खुल गया है, कुछ लोग पासपोर्ट ऑफिस में आ गए हैं और हम गार्ड से पूछ के पासपोर्ट ऑफिस के अंदर एंटर करें। एंटर करने के बाद हमने देखा फिर भी वहाँ कोई था नहीं, लेकिन गार्ड ने हमें बोला आप वहाँ पे बैठ जाइए, तो हम वहाँ बैठ गए। और बैठने के बाद गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी लग रही थी। ये पासपोर्ट ऑफिस का एक व्यू है जहाँ पे कुछ कैमरे रखे हुए थे, कुछ कंप्यूटर रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद हमने देखा वहाँ पे एक आदमी आया और जिसने हमसे हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे और हमने उसको डॉक्यूमेंट दिए, बल्कि हम अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स भी लेके गए। तो मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देता हूँ कि फ़ोटो लेटेस्ट खिंचवा के ना जाएं, वहीं पे आपकी फ़ोटो क्लिक करी जाती है, वहीं पे ही आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। हाँ बिल्कुल फ़ोटोकॉपीज ज़रूर लेके जाएं, अदरवाइज़ वो आपका पासपोर्ट फिर से आपको वापस मार्केट में भेज देते हैं पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज करने के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और हम उसके बाद कराने के बाद फिर हमने सोचा कुछ खा पी लें, तो हम सोना स्वीट्स में चले गए जो कि बहुत हमारे करीब था नेहरू प्लेस में। आप जानते होंगे सोना स्वीट्स तो एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा खाने पीने को मिलता है। उसी तरीके से हमारा एक प्रोसेस पूरा हुआ और कम्प्लीट।